हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो चलिए भाई, जैसा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया स्कूल का, ठीक है, स्कूल का जो 2023-24 सेशन का जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गया। दो दिन पहले क्लास 6 क्लास 9 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, कल जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे 11th साइंस वाले कि सर मेरे को तो ऐसा दुख दुख सा हो रहा है। तो भैया दुख दुख ख़त्म करो, आ चुका है आप लोगों का भी रिज़ल्ट। तो आप लोगों का 11th साइंस वालों का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो भी बच्चे जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसका भाई रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोगों ने जो सालों साल मेहनत किया या 5 महीना 6 महीना मेहनत किया है तो उसका फल जो है आज आप लोगों को मिलने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, परेशानी होने लगती है किस तरीके से रिज़ल्ट चेक करें। तो भैया सिंपल सा है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी का जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको दिखने वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये ऑफिशियल साइट क्या लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे नैक का ग्रेड भी दिया गया A++, यानी कि बहुत अच्छे पोजीशन पे है ये इंडिया में। ओके, तो किस तरीके से आप लोग चेक करोगे अपना रिजल्ट ये यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल करो भाई, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे। आप लोग अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं और लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एडमिशन वाले कॉलम में आप लोग जाओगे और यहाँ पे एक तो यहाँ पे एडमिशन रिज़ल्ट है, दूसरा यहाँ पे जो है आपका स्कूल एडमिशन रिज़ल्ट 2023-24, इस पर जा करके आप इस तरीके से क्लिक कर दोगे। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इंटरफेस दिखेगा, हालांकि यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये खुल गया, देखो यहाँ पर आ गया इस तरीके से। आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म तैयारी करवा रहा था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 11th साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का बैच चल रहा था, आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैच चल रहा था सफलता 2023। ये एक प्रॉपर बैच था आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए जिसमें पूरी तैयारी की गई थी। और भाई रिजल्ट आपके सामने है, जिनको रिज़ल्ट पता नहीं आप लोग चेक कर सकते हो कि एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म इस बार कितना ताबड़तोड़ रिज़ल्ट दिया है। बैच स्टार्ट होने से पहले हमने आपको बताया था कि इस बार सिलेक्शन ही नहीं बल्कि रैंक भी चाहिए, और रैंक का तो भाई बौछार लगा दिया गया। ये जो तीन साल का एजुकेशन अड्डा का जो जर्नी है, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो 2021 में जामिया का हम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करवाया था, AMU का प्रिपरेशन करवाया था और उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 हम लोगों ने दिया था साइंस में। दूसरे साल 2022 में दोनों का तैयारी हम लोगों ने करवाया, जामिया का भी और AMU का भी, और दोनों में ही हमने टॉप रैंक्स दिए। ऑल इंडिया रैंक 2 हमने किस में दिया भाई, साइंस में, AMU में दिया, और फिर साइंस में हमने जामिया में भी ऑल इंडिया रैंक 2 दिया था 2022 में। और इस साल तो भाई बल्ले बल्ले, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे थे, बैच में लगे हुए थे। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो सफलता बैच था जिसका हम लोगों ने स्टार्ट किया था दिसंबर से, है ना, और उसमें हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, आप लोगों ने पढ़ाई करी थी, और भाई रिज़ल्ट आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 1 आर्ट्स में आया। ऑल इंडिया रैंक किसका भाई, कशिश चौधरी का। ऑल इंडिया रैंक 2 आया भाई, किसका आया भाई, महीम इमदाद का। ऑल इंडिया रैंक 3 आया, ऑल इंडिया रैंक 5 आया, 6 आया, 7 आया, मतलब सीरियल वाइज आर्ट्स में भी जो है टॉप रैंक्स आ गए विथ ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 2 एंड 3। कॉमर्स का भी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, और अगर हम बात करें क्लास 9th की तो 1 आ गया है रैंक, 2 आ गया, 3 आ गया, है ना, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 20, सीरियल वाइज उसमें भी हमने बहुत सारे रिजल्ट दे दिए, टॉप रैंक्स दे दिया। तो ये सारे रिजल्ट देख करके कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। मैंने देखा एक कमेंट कर रहा है कोई डॉक्टर करके है, उन्होंने क्या कहा, भाई एजुकेशन अड्डा वाले कितना पैसा खर्च करोगे रिजल्ट को खरीदने के लिए। अरे भैया मुझ गरीब के पास क्या पैसा है, हाँ,
हम बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है, है ना, बड़े बड़ा कोचिंग संस्थान हम लोग नहीं है भाई, जो एक कोर्स कराने का 15,000 रुपये लेता है, 16,000 रुपये लेता है, ठीक है, वो लोग कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास उतना अमाउंट अभी नहीं है। हम क्यों करें भाई, हम क्यों करें, हमारे पास ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाना नहीं चाहते, उतना पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वो घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं। और गांव क्षेत्र से जहां तक, जहां का एजुकेशन स्तर ठीक नहीं है, अच्छी शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है, उनका सपना है कि वो अलीगढ़ जाकर के पढ़ें, जामिया जाकर के पढ़ें, उन बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं। वो बच्चा हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमको तैयारी करनी है और कम फीस में घर बैठ करके हम फुल तैयारी करवाते हैं, और आज आपके सामने मौजूद है वो रिजल्ट, वो रिजल्ट बता रहा है कि वो बच्चे किसी से कम नहीं है, वो भी सिलेक्शन ला सकता है, वो भी रैंक वन ला सकता है, वो हमने साबित किया। क्या बोले सर, इससे पहले तो आपने रैंक इतना अच्छा दिया नहीं, इस साल कैसे दे सकते हो? अरे बेवकूफ, अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बैच से पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं रैंक वन लाएगा? नहीं तो क्या आप रैंक वन लाओगे जो दूर देख करके, ऐसे देख करके सिर्फ क्लेम करना जानते हैं? अजीब परेशानी है। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको तो आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देना चाहिए बच्चों के, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ होगी नहीं। आज से पहले तो आपने रैंक ही नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हैं? अगर आप बैच से पढ़ाई करते ना, अगर आप बैच में जुड़े हुए होते, तब आपको पता चलता कि कितने बच्चे लगे पड़े, रात दिन मेहनत चल रही है इस चीज़ को लेकर के, तब आपको समझ में आता, तब आपका, आप जो कमेंट लिख रहे हैं ना, वो कमेंट लिखने में आपका हाथ कांप जाता कि हम क्या लिख रहे हैं। खैर वो सब छोड़िए, और जो भी क्लास 11 जामिया का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, जो भी बच्चे जिन्होंने दिया और परेशान हो रहे हैं कैसे करें, तो आज हम आपको बता रहे हैं। और उससे पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तो भाई परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, वो हमेशा हम आपको बताते हैं। अगर आपने मेहनत किया है तो वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में वो आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। अपने आप पे कभी शक मत करना कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, भैया आप ही लोग वो चीज़ कर सकते हो, आप में वो कुव्वत, आप में वो ताकत, आप में वो एबिलिटी, टैलेंट, सब कुछ है, बस खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद को आजमाने की ज़रूरत है। आ रही बात समझ में? तो भाई ये सब दिमाग से फालतू चीज़ें निकाल दो। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो बिखर रहे हैं, वो बिखर दैट मीन निखर रहे हैं, है ना, चमक रहे हैं। आ रही बात समझ में? सर सैयद अहमद खान ने जो चिराग जलाया था, आज उसकी रोशनी कोने कोने, दुनिया के हर एक कोने में जाकर के रोशनी कर रही है, रोशनी पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रहा है, लोगों को रास्ता दिखा रहा है, कामयाब हो रहे हैं। तो जो सर सैयद अहमद खान का विजन और मिशन था, उस पर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग सारे बच्चे सपोर्ट में रहोगे। बस मेहनत चाहिए बच्चा, दिल साफ रखो, मन साफ रखो, मेहनत करो, कोई क्रिटिसाइज, कोई आलोचना मत करो भाई, अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, पढ़ाई करो, रिजल्ट लाओ, सिलेक्शन लाओ, कामयाब हो, बस यही एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म की ये दुआ है, हम लोगों की दुआ है। आप लोग एक कदम बढ़ाओगे, हम 10 कदम आपके साथ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और 11th AMU वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले परेशान मत हो, उसका भी रिजल्ट आएगा। हमने कल बोला था कि जामिया का हो सकता है कि कल ही रिजल्ट क्लियर हो जाए, और देखो हो गया, 11th साइंस का हो गया, देख रहे हो। तो ये देखो, यहाँ पर कोर्स टाइप में आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लास 6, 9th, 11th, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर कोर्स नेम में यहाँ पर ये वाला 11th साइंस सेशन 2023-24 इसको क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आप कैप्चा इंटर करोगे। देखो यहाँ पर इंटर करने के बाद इसको सर्च करेंगे, सर्च किया, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट खुल गया, देख रहे हैं, ये लिस्ट खुल गया ना यहाँ पे। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स क्लास 11 साइंस जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस। अब इसको व्यू करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, देख लो यहाँ पे PDF ओपन हो गया। अभी आपका रिजल्ट ही है किसका भाई, गर्ल्स वालों का, सेल्फ फाइनेंस। अब यहां पर देखिए, बच्चे मेरे यहां पे कट ऑफ दिया गया है। बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा है भाई, देखो हमारे पास इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो भाई रिजल्ट कहां से आएगा बताइए, आप भी हद करते हो। हाँ
कंटिन्यूसली लगे पड़े हैं, मैसेज कर रहे हैं बच्चा। अच्छा एक और चीज़ बोले, सर मैंने इतना स्कोर किया था, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो भैया इसके अकॉर्डिंग आप मैच कीजिए कि आपने क्या इतना स्कोर किया है, इससे प्लस स्कोर किया है। अगर इससे प्लस स्कोर किया है तो आपका लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा, अगर नहीं किया है तो बच्चा इसीलिए आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। कट ऑफ देख लो क्या है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ यहाँ पर आप देखिए मेरे बच्चे, देखो यहाँ पे क्या है, जनरल वालों का 77 पे हो गया है बच्चा गर्ल्स में, ठीक है, और मुस्लिम में 75 वालों का हुआ है। मुस्लिम ओबीसी एसटी का 74 मार्क्स पे हुआ है, मुस्लिम वुमेन का 74 पे हुआ है, पीडब्ल्यूडी पीडी हियरिंग वालों का 40 नंबर पे हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर से जो बच्चे थे उनका 69 मार्क्स पे हुआ है, कश्मीरी माइग्रेंट का 41 मार्क्स पे हो गया है बच्चा पार्टी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आ रहा था, आ रहा है, तो बेशक आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम होगा, आप अच्छे से चेक करें। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स नहीं आया है तो भैया परेशानी वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्ट आ गया है आपका जनरल वालों का, देखो जनरल वालों का यहाँ पर आ गया है, ये सब जनरल वालों का लिस्ट यहाँ पर दे रखा है। आप इसमें से रोल नंबर के में से आप मिला लो कि आपका सेलेक्टेड लिस्ट में है नहीं, है या नहीं। फिर उसके बाद नीचे आओगे तो वेटिंग लिस्ट भी निकला हुआ है, वेटिंग लिस्ट भी है, देखो ये सब वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट भी निकला हुआ है। वेटिंग लिस्ट क्या होता है, अगर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो सारा का सारा स्टूडेंट अगर ले लेता है एडमिशन तो वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगा, लेकिन अगर वैकेंट चला जाता है, सीट खाली चला जाता है, तब वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। फिर हम आते हैं भाई, ये तो हमने बताया किसका भाई, अब अगला नेक्स्ट बताते हैं, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट क्लास 11 साइंस जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेगुलर वाले, ये देख लीजिए इनका कट ऑफ कितना है, इनका कट ऑफ कितना है भैया, देखते हैं क्या है कट ऑफ, इनका कट ऑफ ज़्यादा है, इनका कट ऑफ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है देखो यहाँ पे, जनरल वालों का 85 मार्क्स में हुआ है, जनरल वालों का। अगर मुस्लिम की बात करें तो 83, मुस्लिम ओबीसी एसटी है तो 83, मुस्लिम वुमेन है 81, पीडब्ल्यूडी पीडी हार्ड ऑफ हियरिंग तो 76, लोकोमोटर वाले का 74, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से जो थे उनके लिए 74, और कश्मीरी माइग्रेंट वालों का 76 कट ऑफ है बच्चा, 76 कट ऑफ है। अगर इसके अकॉर्डिंग मार्क्स आता है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आता है तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है, हमेशा हम कहते हैं निराश बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई चीज़ में आप अगर फेलियर हो रहे हो, फेल हो रहे हो, तो वो आपको मौका देती है, आपको टाइम मिलता है इम्प्रूवमेंट का, अपने आप में आपके अंदर जो कमी है उसको सुधारने का मौका मिलता है, और आप पहले से बेहतर बन करके आते हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई फेल होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नालायक है, वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, भाई वो अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का उनको वक्त दिया जाता है। आ रही बात समझ में, तो ये चीज़ें हैं। तो अब देख लो यहाँ पे, अब नीचे जाएंगे, अपना रोल नंबर मैच करोगे भाई कि आपका क्या सीरियल नंबर है, क्या रैंक है, उस हिसाब से आप अपना देख लेंगे, है ना, और इसमें वेटिंग लिस्ट भी निकला हुआ है, तो ये सब वेटिंग लिस्ट भी है बच्चा, इसमें वेटिंग लिस्ट भी आया हुआ है, तो ये तो दूसरी लिस्ट हो गई। तीसरी लिस्ट की अगर हम बात करें, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स क्लास 11 साइंस सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, इसका अगर हम देखेंगे तो देख लेते हैं इसका कितना कट ऑफ है भाई। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, और रोल नंबर मैच करेंगे। अब इसका देखो, इसमें भी यहाँ पर बच्चा पार्टी, इसका भी कट ऑफ जो है देखो कितना है, जनरल वालों का 82 है बच्चा, जनरल वालों का 82, मुस्लिम का भी 82, मुस्लिम ओबीसी का भी 82, मुस्लिम वुमेन का 78, ब्लाइंडनेस लो विज़न वालों का 69, जम्मू एंड कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं 70, कश्मीरी माइग्रेंट का 59, ये अकॉर्डिंग टू कट ऑफ अगर मार्क्स आता है तो आप सेलेक्टेड लिस्ट में हो, बेशक हो, आप जाकर के चेक करें।
अगर फिर भी अगर नहीं आ रहा है मार्क्स ज़्यादा होने के बाद, तब हो सकता है कि आपका OMR शीट में कोई आपने गलती करी है, इस वजह से कुछ कहीं ना कहीं से आपका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन सब कुछ ठीक है तो भैया आपका लिस्ट में नाम बिल्कुल होगा। तो ये रहा आपका थर्ड लिस्ट। अब नीचे जा कर के आप मैच कर सकते हो रोल नंबर वगैरह, है ना, कि आपका कितना रैंक है, क्या है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। और नीचे वेटिंग लिस्ट भी है, वेटिंग लिस्ट भी। वेटिंग लिस्ट का मसला ये है बच्चा कि अगर एडमिशन में सीट खाली जा रहा है तब वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया जाता है। जस्ट लाइक ट्रेन, ट्रेन में वेटिंग लिस्ट होती है ना, अगर कोई पैसेंजर नहीं जाता है कन्फर्म वाला तो उसके जगह पर वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिलता है। सेम उसी तरीके से है मेरे बच्चे। तो आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिज़ल्ट चेक करते हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद जो भी बच्चे, है ना, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में सिलेक्शन हो गया तो आप बहुत बड़ी जंग जीत रहे हो। इसका मतलब ये कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि यहाँ से और अच्छा आपको करना है, क्योंकि अभी आने वाले और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन है जिसमें आपको निखर के आना है, उसमें भी आपको रैंक वन आना है, उसको भी आपको क्वालिफाई करना है, उसको भी क्रैक करना है। आगे आपका टारगेट होगा कि मेडिकल लाइन में जाना है तो नीट का प्रिपरेशन करोगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो IIT का प्रिपरेशन करोगे, तो उसका भी कंपटीशन आपको देना है, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना है बच्चा। तो अभी से हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, है ना, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो भैया सिलेक्शन क्या, सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हो। आ रही बात समझ में? और जिन बहुत सारे बच्चों को कॉल आया कि सर मुझे आपके बारे में आइडिया नहीं था, एग्ज़ाम के एक महीना पहले आपका वीडियो हमने देखा, काश अगर मुझे पहले पता चल जाता कि इस चीज़ की तैयारी हो रही है तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंटिन्यू फ़ोन पे लगे हुए हैं सब, है ना, डेली 100-200 कॉल आता है और हम लोग उससे कॉन्टैक्ट करते हैं। बहुत सारे बोले सर आप कॉल उठाते नहीं हो, कॉल नहीं उठाते हैं लेकिन जस्ट जब भी टाइम वक्त मिलता है उसको रिपीट कॉल जाता है फिर उससे हम बात करते हैं, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो परेशान नहीं होंगे, बैक कॉल ज़रूर जाएगा, ठीक है। और आप शेयर करोगे कि आप मतलब क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं। अगर जो बच्चा टारगेट बना रहा है कि हमको 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमको तैयारी करनी है, मेरा भी सपना है, तो भैया बिल्कुल जुलाई के फर्स्ट वीक में एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा वहाँ पर सारे फाउंडेशन बैच आ जाएंगे। जो बच्चे क्लास 6 क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं AMU जामिया दोनों के लिए, तो कैटलिस्ट 2.0 बैच आ रहा है जुलाई में। जो बच्चा कॉमर्स आर्ट्स का तैयारी करना चाहता है जामिया और AMU दोनों से, तो भैया उसके लिए सफलता 2.0 बैच आ रहा है। सफलता 1.0 यानी सफलता बैच का रिजल्ट तो आपको पता ही है, एक लाइन से रैंक टॉप रैंक्स आ गया है। तो अगर आप चाहते हो कि 2024 में आपका सिलेक्शन हो तो सफलता 2.0 जरूर ज्वाइन करें, जुलाई में आ रहा है। अगर चाहते हैं कि क्लास 11 साइंस के लिए तैयार करना जामिया में भी और AMU के लिए भी, तो उसके लिए मिशन AMU जामिया 4.0, क्योंकि ये चौथा बैच है भैया, ये चौथा बैच है। हम लोगों ने मिशन AMU जामिया चलाया, मिशन AMU जामिया 2.0 चलाया और लास्ट में मिशन AMU जामिया 3.0 हमने चलाया है और उसी का ये रिजल्ट है आ गया आज। और अभी 2024 के लिए मिशन AMU जामिया 4.0 चलेगा, चौथा बैच चल रहा है भैया, समझ सकते हैं। अभी तक एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म से अभी इस साल का रिजल्ट छोड़ करके, अभी हमने काउंट नहीं किया, इस साल का रिजल्ट छोड़ करके टोटल AMU जामिया दोनों मिलाकर के 350 स्टूडेंट का सिलेक्शन हम लोग करवा चुके हैं इन ढाई साल में, तीन साल में। ये तीसरा साल है बच्चा, और अभी इस साल इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों की मेहनत रंग ला रहा है। आ रही बात समझ में? तो बेफिक्र होकर के आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग क्रैश कोर्स करा रहे थे, दिसंबर से बैच ला रहे थे बच्चा,
और उसमें बहुत सारे बच्चों को इशू हो जा रहा था, परेशानी हो रही थी कि सर कम टाइम है, उसमें बोर्ड को भी फोकस देना पड़ता है, आप अलग से ये भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और टेंशन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इस बार एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पहली बार सारे कोर्स का फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहा है, और जुलाई से हम लोग जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन लाएंगे, रैंक लाएंगे। बच्चा आ रही बात समझ में? तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, और ये सारा बैच आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और साइंस वाले का तो स्टार्ट, साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले का क्लास जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, क्लासिक्स और नाइन्थ का क्लास 17 जुलाई से स्टार्ट होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए और मोर डिटेल आपको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन में हो रहे थे कि हमको कहीं से भी इस तरह का बैच मिल नहीं पा रहा है, और बहुत लेट से आपका वीडियो आया था, हम नहीं कर पाए, तो उन बच्चों के लिए सारा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। बहरहाल आप सभी बच्चों को मुबारकबाद, ढेर सारा प्यार, आप लोग मेहनत करो, है ना, आप जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग बस मेहनत करें, सिलेक्शन आपके कदम ज़रूर चूमेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आप जाएं रिजल्ट चेक करें और बताएं कि आपका सिलेक्शन में कितना रैंक आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।